हेलो दोस्तों, मैं हूं जस फ्रॉम सैमन जस हेयर एंड मेकअप अकेडमी मुंबई से। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं वेलक्रो रोलर सेटिंग। वेलक्रो रोलर सेटिंग करते क्यों हैं? क्योंकि आपको आपके ब्लो ड्राई को जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग रखना है। ब्लो ड्राई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट का मतलब समझते हैं आप कि आपका जो ब्लो ड्राई है वो ज़्यादा टाइम तक कैसे स्टे करे। आप आउटकर्ल्स करो, इनकर्ल्स करो, अगर आप वेलक्रो रोलर सेटिंग करते हैं तो आपका ब्लो ड्राई का इफेक्ट बहुत दिन तक रहने वाला है, टिल द नेक्स्ट वॉश। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आए, मुझे सब ने बोला कि सर कुछ ऐसा मंत्र बताएं जिससे कि हमारा जो ब्लो ड्राई है वो क्लाइंट के ज़्यादा टाइम तक स्टे करे। तो चलिए देखते हैं इस मंत्र को कि इसको करना कैसे है। प्रोसीजर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। प्रोसीजर सबसे पहले आपको क्लाइंट का हेयर वॉश करना है, शैम्पू कंडीशनर अच्छी से, बिल्कुल अच्छे से शैम्पू कंडीशनर करना है। उसके बाद में सीरम नहीं लगाना क्योंकि हमें आउटकर्ल्स करना है। सीरम लगाने से क्या होता है, आउटकर्ल्स जो है ना खुल जाते हैं तो स्टे नहीं करता, क्योंकि सीरम में क्या है, सिलिकॉन है और वो बालों को और ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको लगाना है गीले बालों पर मूस। लगाने के बाद में आप लोगों को करना है सेक्शंस के ऊपर काम। सेक्शंस बहुत बड़े नहीं बनाने, उसके पीछे का रीज़न है कि अगर आप बहुत बड़े सेक्शंस बनाएंगे ना तो आपके वेलक्रो रोलर्स के ऊपर से बाल बाहर निकलेंगे, बहुत मैसी लुक आएगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आने वाला। हेयर स्प्रेस को यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए। अभी अच्छा मौसम है, सर्दियों का दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा मूस और हेयर स्प्रे लगाते हैं तो बाल थोड़े चिपचिपे हो जाते हैं। इस मौसम में, ठंडे मौसम में, अगर आप मूस और हेयर स्प्रे के साथ काम करते हैं तो आपका इफेक्ट ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो चलिए देखते हैं कि ये वेलक्रो रोलर सेटिंग करी कैसे है। बस जाने से पहले एक बार फिर बोलना चाहूँगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और बहुत अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, चेक इट आउट हाउ टू डू वेलक्रो सेटिंग, स्टे ट्यून। चलिए शुरू करते हैं वेलक्रो रोलर सेटिंग। ये है हमारा बिफोर का लुक। हम यहाँ पे लगा रहे हैं पहले मूस, गणेश काले जो कि हमारे मुंबई के टीम मेंबर हैं। सेक्शंस बना रहे हैं, सबसे पहले मूस लगाया उसके बाद में सेक्शंस बनाएंगे। और सबसे पहले हम लोग ने ऊपर बॉक्स देख रहे हैं, बहुत छोटा सेक्शन बनाया ऊपर बॉक्स का, जो साइज़ है वो बिल्कुल जो हमारा रोलर है उसके हिसाब से हम लोग ने लिया। और बॉक्स और साइड्स को हमने सेपरेट किया, पीछे की साइड में नॉर्मली जैसे हम लोग ब्लो ड्राई करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लाइंट के बालों को सबसे पहले वॉश किया, शैम्पू कंडीशनर किया और उसके बाद में गीले बालों पे मूस लगाया। और गीले बालों पे ही जैसे हम लोग नॉर्मली ब्लो ड्राई करते हैं उसी तरीके से वी आर डूइंग इट। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने वेलक्रो रोलर जो लगाना है वो कैसे लगाया ये अब देखना है। बिल्कुल पहले ब्लो ड्राई, फिर उसके बाद में जब बाल सूख जाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग लगा रहे हैं वेलक्रो रोलर। एंड्स जो इसमें है वो बिल्कुल प्रॉपर इन होने चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखेंगे आप, जो बिल्कुल एंड्स हैं इसके। सेक्शन बाय सेक्शन ले रहा हूँ, छोटे छोटे सेक्शंस के साथ में। बहुत बड़ा सेक्शन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अगर आप बड़ा सेक्शन लेते हो वेलक्रो में आप लगाते हैं, देख रहे हैं एंड्स को कितने अच्छे से अंदर कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल प्रॉपरली इन करना है। तो जब आप बहुत बड़े सेक्शन लेते हो तो वेलक्रो रोलर के ऊपर से बाहर निकलता है बाल, तो आपको छोटे सेक्शन लेना है ताकि वेलक्रो के ऊपर ही इसकी सेम जो इसके बाल हैं वो बाहर ना हो। और हर सेक्शन के आगे मैं क्लिप लगा रहा हूँ, छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं, इतना ही ध्यान रखना है। एंड्स, ये देखिए एंड्स को प्रॉपरली इन करना है और इसको रोल करना है प्रॉपर। देखें आप, रोल किया, रोल किया, रोल किया और इसी तरीके से हम इसको लगाएंगे। यहाँ पे हमारे सेक्शंस हो गए। अभी हम आ रहे हैं ऑन द टॉप, मतलब क्राउन सेक्शन के ऊपर आए हैं हम लोग। क्राउन के बाल हमेशा इन कर्ल्स करने हैं। देखा पीछे आप लोग कि मैंने आउट कर्ल्स किया था, लेकिन यहाँ पे टॉप एरिया पे मैं इन कर्ल्स कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखो आप आउट कर्ल्स करते हैं, जैसे ही आप क्राउन सेक्शन के ऊपर आते हो वहाँ पे आपको इन कर्ल्स हमेशा। इसी तरीके से साइड वाले बालों को हम लोगों ने आउट कर्ल्स किया और टॉप का जो हमारा एरिया है यहाँ पे जो हम लोग वेलक्रो लगा रहे हैं, दैट इज़ अगेन द बिगर वन, जो वेलक्रो का जो सबसे बड़ा साइज रहता है उसको लगा रहे हैं। पहले ब्लो ड्राई करेंगे, उसके बाद जैसे ब्लो ड्राई हो जाता है उसके बाद हम लोग वेलक्रो लगा रहे हैं। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्यों करना है, क्योंकि इससे हमारे जो बालों की जो हम लोग ब्लो ड्राई कर रहे हैं उसकी सेटिंग लॉन्ग लास्टिंग रहती है। सो दिस इज़ द लुक, आप देख सकते हैं ऑल ओवर।
दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द रोलर। सबसे पहले जब आपका पूरा ब्लो ड्राई हो जाता है, इसको आपको उतारना है क्लिप्स को। सबसे पहले जितने भी सेक्शन क्लिप्स आपने लगाई हैं वो सब आपने रोलर्स के अंदर से निकाले, और अब रोलर से निकालने के बाद में इसको मैं दिखाता हूँ कि हमें इसे एक्चुअली में खोलना कैसे है। यहाँ पे पहला सेक्शन लिया और एग्जैक्टली बिल्कुल प्रॉपरली हम लोगों ने लिया और इसको खोल दिया ब्रश की हेल्प के साथ, जैसे हम लोग ने ब्लो ड्राई किया था वैसे ही एग्जैक्टली सेम। सारे बालों को आउट कर्ल्स के साथ में थोड़ा और नीट किया और यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ रोलर्स को। आराम से रोलर्स खोलने हैं। सबसे पहले सेक्शन क्लिप्स निकाली, उसके बाद मैं एक एक सेक्शन को लिया और रोलर्स को ओपन करते रहे। बहुत ही अच्छी सेटिंग आती है, इससे लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगेन कमिंग ऑन द टॉप और ऊपर वाले बालों को जहाँ पे हम लोगों ने इन कर्ल्स किया था वहाँ पे इन कर्ल करके ही छोड़ना है आपने, विच इज़ माय क्राउन सेक्शन। ये देखो आप इसी तरीके से छोड़ेंगे इन कर्ल्स। आप लोग हेयर स्प्रे यूज़ करें इसमें, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह है तो थोड़ा सा मूस और ये सब कम करें, अदरवाइज़ अगर अच्छा वेदर है जैसे आजकल थोड़ी सर्दियों का मौसम है इसमें ना तो मूस से कुछ प्रॉब्लम होने वाली है ना हेयर स्प्रे से। तो टॉप एरिया, क्राउन सेक्शन, इन कर्ल्स एंड लीव इट। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्राउन सेक्शन पे इन कर्ल ही करना है क्राउन सेक्शन पे। इसको हम लोगों ने जो ओपन किया है ब्लो ड्राई के 10 मिनट के बाद में किया है। अगर आपके क्लाइंट को लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए तो आप इसको 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा भी रख सकते हैं। दिस इज़ द रिज़ल्ट एंड आई होप आपको ये रिज़ल्ट अच्छा लगा होगा। वेलक्रो रोलर सेटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो कैसे लगा आप लोगों को वेलक्रो रोलर सेटिंग? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। जिस क्लाइंट को भी लॉन्ग लास्टिंग ब्लो ड्राई इफेक्ट चाहिए उसके ऊपर आप वेलक्रो रोलर यूज़ कर सकते हैं और बहुत इजी मेथड पे बताया है, इसी तरीके से आप यूज़ करें। रोल एंड्स को बस अच्छा सा रोल कर दीजिएगा। और जाने से पहले एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, कई बार फ़ोन नहीं उठा पाता तो व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पर, मेरा पर्सनल नंबर है। अगर आप लोग को हेयर कोर्स करना है तो मुंबई में आकर के आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, सीट बुक कर लीजिएगा 31st of December तक। ये कोर्स 30,000 रुपीज़ का है, इसमें सब आ जाएगा, आपका हेयर कट्स, ब्लो ड्राइज, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग, एवरीथिंग जो आपके सैलून के अंदर वो सब इस कोर्स के अंदर आ जाएगा और सिर्फ 30,000 रुपीज़ का है। 1st of January से यही कोर्स 40,000 रुपीज़ का होने वाला है। 31st of December तक इसको आप अवेल कर सकते हैं। PG फैसिलिटीज़ भी हमारे पास में है, मेरे नंबर पर फ़ोन कीजिए, आके ज्वाइन कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू इंडिया, टेक केयर, बाय, लव यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और आसपास के लोगों का। थैंक यू।